गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर इंग्लिश क्लास और आज हम इंग्लिश का चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 9 करने से पहले आपका सबका वर्क कंप्लीट होना चाहिए 8 तक, और कॉपी भी चेक होनी चाहिए। अगर किसी ने अच्छे से नहीं किया वर्क तो अब अच्छे से वर्क करके और अपनी कॉपी चेक कराएंगे चैप्टर 8 तक। अब चैप्टर 9 का है, चैप्टर 9 है जो स्टार्ट कर रहे हैं हम। चैप्टर का नेम है द मैजिकल ट्री। ट्री मतलब पेड़, द मैजिकल मतलब मैजिकल यानी जादुई, मैजिक मतलब जादू, मैजिकल यानी जादुई पेड़। अब इस चैप्टर में क्या है, अबाउट द लेसन यानी इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे ये बता रहे हैं। दिस इज द स्टोरी अबाउट ए मैजिकल ट्री ऑन विच सम मैजिकल वर्ड्स वर रिटन विच मेड द पर्सन एंटर अ मैजिकल वर्ल्ड। यानी ये एक स्टोरी है जादुई पेड़ की। जादू सबको पता है, ये जादू जादूगर जादू दिखाता है। इसी तरह ये ट्री है मैजिकल, उसके अंदर कुछ मैजिकल वर्ड्स हम बोलते हैं जो लिखे हुए होते हैं उसके ऊपर लिखे हुए होते हैं। अगर अब उनको हम बोल कर जाते हैं तो हम अंदर उसके जा सकते हैं, वो मैजिकल वर्ड्स बोलकर हम उसके अंदर जा सकते हैं। तो अब देखते हैं ये स्टोरी किस तरह की है। लॉन्ग टाइम एगो बहुत समय पहले, देयर वॉज ए बॉय नेम्ड एडम। यानी बहुत साल पहले एक लड़का था, उसका नाम था एडम। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैजिक्स। यानी उसको बहुत ज़्यादा अलग अलग जादू करने का उसको बहुत शौक था, मतलब बहुत चहेता था उसको जादू करना, उसको बहुत पसंद था। फॉन्ड ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करने वाला, जादू को वो बहुत लाइक करता था। वन डे ही वॉज स्ट्रॉलिंग इन अ पार्क। एक दिन वह पार्क में इधर उधर घूम रहा था। स्ट्रॉलिंग मतलब इधर उधर घूमना। ऑल ऑफ सडन अचानक से, ही सॉ ए बिग ट्री इन द सेंटर ऑफ द पार्क। और उसने एक बहुत बड़ा पेड़ पार्क के बीचों बीच, सेंटर मतलब बीच में, देखा। एक बहुत बड़ा पेड़ उसे दिखाई दिया। देयर वर सम वर्ड्स रिटन ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री। यानी उस पेड़ की जो ट्रंक मतलब पेड़ का तना है, उसके ऊपर उसे कुछ वर्ड लिखे हुए उसको कुछ वर्ड दिखाई दिए। उसने देखा कि पेड़ के ऊपर कुछ वर्ड्स शब्द लिखे हुए हैं पेड़ के तने के ऊपर। द वर्ड सेड आई एम ए मैजिक ट्री। अब जो वर्ड जो ट्री के ऊपर लिखे हुए थे वो क्या थे, आई एम ए मैजिक ट्री, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। स्पीक दीज मैजिक वर्ड्स एंड यू वुड सी इनसाइड मी। यानी ये मैजिक वर्ड्स आप बोलो और मेरे अंदर आ सकते हो, तुम मेरे अंदर आ सकते हो, मेरे अंदर देख सकते हो। एडम स्पोक दीज वर्ड्स एंड ट्राई टू गैस वॉट दीज मैजिक वर्ड्स डू। यानी ये जो एडम था उसने ये वर्ड बोले और उसने देखा कि ट्राई करते हैं हम कि किस तरह ये मैजिक वर्ड्स बोलकर हम ये काम इसके अंदर जा सकते हैं। ये ट्री बना हुआ है, इस ट्री के ऊपर ये लिखा हुआ है आई एम ए मैजिक ट्री, से द मैजिक वर्ड्स, कुछ मैजिक वर्ड्स आप बोलो। ही थॉट एंड सेड, उसने सोचा कि अब क्या बोलूं, तो उसने बोला हबीबी की बकी बी। यानी एक वर्ड बोला उसने, क्या बोला उसने, हबीबी एंड की बकी बी। उसने सोचा ये वर्ड बोलता हूँ तो सो हो सकता है शायद ये ट्री ओपन हो जाए, इसका जो तना है वो खुल जाए। बट द ट्री कुड नॉट ओपन, लेकिन पेड़ है जो वो ओपन नहीं हुआ पेड़ नहीं खुला। ही ट्राइड वंस मोर ऑन एंड सेड, तो उसने एक बार और ट्राई किया। फर्स्ट बार उसने ट्राई किया था
अपना दिमाग लगाया क्योंकि वो बहुत जादू करता था, तो उसने फर्स्ट बार ये वर्ड बोला। उसके बाद भी वह पेड़ नहीं ओपन हुआ तो उसने एक और वर्ड सोचा और बोला ट्राई करते हैं। उसने बोला खुल जा सिम सिम, यानी खुल जा सिम सिम भी एक जादुई वर्ड है। तो ये सोचकर उसने ये वाला वर्ड बोला। बट द ट्री वॉज टोटली मोशनलेस, यानी जो ट्री था वो बिना किसी मतलब हिला ही नहीं, बिना किसी मूवमेंट के सीधा ही खड़ा रहा, कुछ भी उसका मूवमेंट उसमें नहीं हुआ। ये वर्ड बोलने के बाद भी ट्री ओपन नहीं हुआ। ही बिकेम सैड एंड थ्रू हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर एंड सैड। अब वो बहुत दुखी हो गया कि पहली बार उसने ये वाला वर्ड बोला था हबीबी कभी भी, सेकेंड बार उसने बोला था खुल जा सिम सिम, फिर भी पेड़ ओपन हुआ नहीं। और जबकि पेड़ के ऊपर तो लिखा हुआ ही है कि मैं एक जादुई ट्री हूँ, मैजिक ट्री हूँ, और मुझे मैजिक वर्ड बोलो तो मैं खुल जाऊँगा। फिर वो दुखी होकर अपने पैर पटकने लगा ज़मीन पर और दुखी होकर बैठ गया और कहा माय डियर ट्री प्लीज़ ओपन। उसके बाद उसने क्या कहा कि मेरे प्रिय पेड़ प्लीज़ ओपन हो जाओ, प्लीज़ खुल जाओ। तो ये जो वर्ड बोला उसने, एंड ऑल ऑफ सडन इन बिटवीन अ लार्ज डोर ओपनड इन द ट्रंक टू वेलकम एडम। तो ये जो वर्ड बोला था उसने माय डियर ट्री प्लीज़ ओपन, उसके बाद में वो पेड़ अचानक एकदम से खुल गया और उसके जो ट्रंक थी उसके ऊपर एक गेट सा बन गया और ओपन हो गया वो डोर, और उसने पेड़ ने उसका वेलकम किया। तो यहाँ तक ही हम लर्न करेंगे आज इस चैप्टर को। आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में लर्न करेंगे। अब ये क्वेश्चन आंसर है, आंसर द ओरल री। तो व्हाट वाज द बॉय नेम, तो बॉय का नाम था एडम। वेयर वाज ही स्ट्रॉलिंग, वह कहाँ घूम रहा था, तो वह है ही वाज स्ट्रॉलिंग इन द पार्क। वेयर वर द मैजिकल वर्ड्स रिटन, तो मैजिकल वर्ड रिटन ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री, ट्री की जो ट्रंक थी तना था उसके ऊपर मैजिकल वर्ड लिखे हुए थे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोशनलेस, मोशनलेस मतलब स्टैंडिंग विदाउट मूविंग, यानी बिना किसी मूवमेंट के बिना किसी हलचल के खड़े रहना। ग्लैड वेरी हैप्पी, अंडरस्टैंड बाय ग्लैड मतलब वेरी हैप्पी। विच मैजिक वर्ड्स डिड नॉट ओपन द ट्री, तो हबीबी खबीबी या माय डियर ट्री प्लीज़ ओपन, तो उसने ये वर्ड बोला था तब पेड़ खुला नहीं था, हबीबी की बाकी भी। व्हाट वाज द बॉयज नेम, तो बॉय का नाम था एडम। एडम सा अ, क्या देखा था उसने, प्लांट या ट्री, तो ट्री पे हम टिक करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, एडम वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मैजिक। ही वॉज स्ट्रॉलिंग इन द पार्क, ही सा अ बिग ट्री इन द सेंटर ऑफ द पार्क, यानी पार्क के सेंटर में उसने एक ट्री देखा था। इट वॉज टोटली डार्क इन साइड, यानी जब वो हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि पेड़ के अंदर जब वो गया था तने के अंदर तब उसने कैसा देखा था, यानी डार्क अंदर अंधेरा था बिल्कुल अंदर। ऑल ऑफ देम स्पोक द मैजिक वर्ड्स, सभी मैजिक वर्ड्स बोल रहे थे। तो यहाँ तक आपको करना है अपना वर्क फिल इन द ब्लैंक्स तक, और स्टोरी भी हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आपको ये तीन क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये आपकी नोटबुक में होने चाहिए। बाकी के क्वेश्चन आंसर और बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।